पहले चार पंक्तियों से आपके बीच एक बात पहुंचाना चाहूंगा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम क्यों लिखते हो, कविताएं क्यों लिखते हो, तो मैं चार पंक्तियों में जवाब देता हूं। यदि ये बात आप तक पहुंचे तो आप आशीर्वाद दे सकते हैं कि मेरे दिल के रास्ते को, मेरी जिंदगी के रास्ते को एक हसीन मोड़ दो, मेरी जिंदगी के रास्ते को एक हसीन मोड़ दो, मुझसे इश्क करते हो तो आओ मेरे दिल को तोड़ दो। मेरे जिंदगी के रास्ते को एक हसीन मोड़ दो, मुझसे इश्क करते हो तो आओ मेरे दिल को तोड़ दो। मुझे जिंदगी में कुछ और नहीं चाहिए, बस स्टेज पर माइक लगाओ और मुझे खुला छोड़ दो। चार पंक्तियों से आपके बीच फिर आता हूँ। इश्क पर बहुत बात हो रही है तो देखिए, जब कोई कवि किसी लड़की को प्रपोज करता है तो उसका किस प्रकार करता है, मैंने उसे चार पंक्तियों में लिखा है कि उनकी नजरें झुकी तो लगा वे भी प्यार में है, उनकी नजरें झुकी तो लगा वे भी प्यार में है, गाल सुर्ख हुए तो हमें लगा हम चिंतित बेकार में है। उनकी नजरें झुकी तो लगा वे भी प्यार में है, गाल सुर्ख हुए तो हमें लगा हम चिंतित बेकार में है। अपने दिल की सारी हिम्मत जुटा करके उनके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने पहुंचे, गंभीर आवाज आई, प्रतीक्षा करें आप कतार में। चार पंक्तियों से आपके बीच फिर पहुंचना चाहता हूं। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो सिंगल हैं? तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आप सब फ्रेंड जोन है, ठीक है? और एक फ्रेंड जोन जो व्यक्ति है वो अपनी माशूका से क्या कहना चाहता है, उसे चार पंक्तियों में मैंने लिखा है। वो परेशान हो गया है नखरे देख देख के अपनी गर्लफ्रेंड के, तो वो चार पंक्तियों में उसे कहता है कि तेरे मेरे दिल को मैं ऐसा लॉक कर दूंगा, दिखाऊंगा वही जलवा कि सबको शॉक कर दूंगा। कि तेरे मेरे दिल को मैं ऐसा लॉक कर दूंगा, दिखाऊंगा वही जलवा कि सबको शॉक कर दूंगा। तेरे सारे जो नखरे हैं इन्हें घर पे ही तुम रखना, ज्यादा चौंचों की तो तुझी को ब्लॉक कर दूंगा। चार पंक्तियों से फिर आपके बीच आता हूँ। इलेक्शन का माहौल आने वाला है तो मैंने नेताओं के ऊपर चार पंक्तियां लिखी हैं जो कि वो डिजर्व नहीं करते, तो चार पंक्तियां आपके बीच में लाता हूँ। कि सर की गोलाई पेट की सफाई लाल बत्ती में लुगाई, कि सर की सफाई पेट की गोलाई लाल बत्ती में लुगाई, और पहचाना जाता है नेता वेश देखकर। अरे हम तो रात भर करवटे बदलते हैं लोगों का भला करके, ना जाने कैसे सो लेते हैं ये गद्दार देश बेचकर, ना जाने कैसे सो लेते हैं ये गद्दार देश बेचकर। चार पंक्तियां यहां जितनी भी महिलाएं उनको समर्पित करना चाहता हूं। कि नारी कहीं भी कैसा भी बोझ उठा सकती है, कि नारी कहीं भी कैसा भी बोझ उठा सकती है, वो सीता बन बेटों को लव कुश बना सकती है। कि नारी कहीं भी कैसा भी बोझ उठा सकती है, वो सीता बन बेटों को लवकुश बना सकती है। अरे कमजोरी से मत नापना इनकी ताकत को तुम दोस्त, जिस हाथ में चूड़ियां हैं ना ये कल को तलवार भी चला सकती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा सीधा अपनी कविता पर आता हूँ। अच्छा, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनको चाय पसंद है, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको सुट्टा सिगरेट पसंद है, कितने लोग ऐसे जिनको दोनों चीजें पसंद है? सॉरी ब्रो, उसी पर मैंने कविता लिखी है कि मेरी माशूका ने मुझसे पूछा तुम मुझसे इश्क क्यों करते हो, तो मैंने उसे कहा कि तुम चाय की तरह और मैं एक जलते सुट्टे की तरह, और उसी पर मैंने कविता लिखी है। इस पे दो शब्द आएंगे, एक आएगा मस्का जिसका मतलब है मक्खन, और दूसरा आएगा तिलचट्टा जिसका मतलब है कॉकरोच। तो मैं कविता शुरू करता हूँ, मजा लीजिएगा। कि तुम डोमिनोज का पिज्जा हो मैं लाल सॉस की बोतल हूँ, तुम डोमिनोज का पिज्जा हो मैं लाल सॉस की बोतल हूँ, तुम लंबी रेल की पटरी हो मैं उस पर चलती लोकल हूँ, तुम मफलर मैन की खांसी हो मैं सीना इंची 56 हूँ, तुम गर्मी की लंबी छुट्टी मैं उसमें हंसता बचपन हूँ, तुम स्वीट कॉर्न का पैकेट हो मैं आग पे सिकता भुट्टा हूँ, तुम गर्म चाय की प्याली हो मैं साथ में जलता सुट्टा हूँ, तुम सूखी सोट की पपड़ी हो मैं हीरे जींग का पानी, तुम सूखी सोट की पपड़ी हो मैं जीरे हींग का पानी, तुम सूखी सोट की पपड़ी हो मैं जीरे हींग का पानी हूँ, तुम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो मैं मुंह से कही कहानी हूँ, तुम राजीव चौक की भीड़ हो मैं ओयो रूम्स का सन्नाटा, तुम राजीव चौक की भीड़ हो मैं ओयो रूम्स का सन्नाटा, तुम बिटकॉइन की तेजी हो मैं जेब खर्च का हूँ घाटा, तुम बिग बाजार का गल्ला हो मैं उसमें घटता छुट्टा हूँ, तुम गर्म चाय की प्याली हो मैं साथ में जलता सुट्टा। क्या बात है, तुम पबजी का एडिक्शन हो मैं गली क्रिकेट का चस्का हूँ, तुम पबजी का एडिक्शन हो मैं गली क्रिकेट का चस्का हूँ, तुम सबके बॉस के नखरे सी मैं उसको लगता मस्का हूँ, तुम बड़े मॉल की शॉपिंग हो मैं बुध बाजार की सेल हूँ, तुम बड़े मॉल की शॉपिंग हो मैं बुध बाजार की सेल हूँ, तुम राब जी को चौड़ी सी नाजुक मैं उस पर बिखरा भेल हूँ, तुम बारिश के कीचड़ जैसी मैं उसमें संता जुत्ता हूँ, तुम गर्म चाय की प्याली हो मैं साथ में जलता सुट्टा।
तुम हनी चिली पटेटो हो, मैं सब्जी टिंडे तोरी की। तुम हनी चिली पटेटो हो, मैं सब्जी टिंडे तोरी की। तुम लेट नाइट की पार्टी हो, मैं माँ की थपकी लोरी की। तुम ऑल गर्ल्स का कॉलेज हो, पर मैं सरकारी विद्यालय हूँ। तुम बिल्कुल चखने जैसी, मैं पूरा मधुशाले हूँ। तुम उबले हुए हो दूध सी, और मैं नींबू इकट्ठा हूँ। तुम गर्म चाय की प्याली हो, मैं साथ में जलता सुट्टा हूँ। वाह वाह वाह। आखिरी बंद आपको समर्पित करता हूँ। तुम जिम की महंगी मेंबरशिप में देसी दंड बैठक हूँ। तुम जिम की महंगी मेंबरशिप में देसी दंड बैठक हूँ। तुम MNC की इम्प्लॉई, पर मैं एक छोटा लेखक हूँ। तुम नेल आर्ट सी सुंदर हो, मैं सर में चुपड़ा तेल हूँ। तुम नेल आर्ट सी सुंदर हो, मैं सर में चुपड़ा तेल हूँ। तुम ब्लॉग का रोचक लेख हो, मैं स्पैम में सड़ता मेल हूँ। तुम नेल आर्ट सी सुंदर हो, मैं सर में चुपड़ा तेल हूँ। तुम ब्लॉग का रोचक लेख हो, मैं स्पैम में सड़ता मेल हूँ। तुम लाल रंग के हिट जैसी, और मैं तड़पा तिलचट्टा हूँ। तुम गरम चाय की प्याली हो, मैं साथ में जलता सुट्टा हूँ। आप लोग बहुत प्यार से सुन रहे हैं। एक छोटी कविता मैं और रखना चाहूँगा, जो मैंने बहुत पहले, मेरी पहली कविता है जो मैंने 8वीं कक्षा में लिखी थी, और उठा दो। हाँ, और कोशिश करता हूँ आप तक बात पहुँचे। कि पप्पू आते ही बोला, पापा आज टीचर ने दी मुझे शाबाशी। पप्पू आते ही बोला, पापा आज टीचर ने मुझे दी शाबाशी। अभी हमारी सुन लो, बाद में करना काम बाकी। हमने कहा, ऐसा क्या तुमने गजब ढा दिया? क्या आसमान से सितारा तोड़ कर ला दिया? बोला, समोसे बनवाओ भर के पनीर ठसा ठस। समोसे बनवाओ भर के पनीर ठसा ठस। हिंदी की परीक्षा में मिले हैं पूरे 10/10। हमने कहा, अरे ख्याली पुलाव मत बनाओ, पहले अपनी आंसर शीट हमें दिखाओ। अरे ये उत्तर तो गलत लिखा है तुमने, देखते ही बोला हमने। अरे ये उत्तर तो गलत लिखा है तुमने, देखते ही बोला हमने। कुंभकर्ण लिखा है सबसे ज्यादा सोने वाले प्राणी का नाम। कुंभकर्ण लिखा है सबसे ज्यादा सोने वाले प्राणी का नाम। इसकी जगह तो तुम्हें आंसर ये लिखना था श्रीमान। इसकी जगह तो तुम्हें आंसर ये लिखना था श्रीमान कि कुंभकर्ण से भी लंबा सो रहा जमीर हमारा है, और भारत को हम आगे लेकर के जाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, यही हमारा नारा है। भारत को हम आकर लेकर जाएंगे। और आप लोग बहुत प्यार से सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूँ। कि गम के बादलों को हांकता फिरता हूँ मैं। 4 पंक्तियां आप सबके लिए अंतिम पंक्तियां हैं। कि गम के बादलों को हांकता फिरता हूँ मैं, जो उदास दिखे उसे डांटता फिरता हूँ मैं। अरे उदासी में भी रहना कोई रहना है मेरे दोस्त। तभी सबके लबों पर हंसी बांटता फिरता हूँ मैं। तभी सबके लबों पर हंसी बांटता फिरता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।